कर्नाटक सस्पेंस पर आज पर्दा उठेगा, कौन बनेगा कर्नाटक सीएम, इसका आज ऐलान होने की संभावना है। कर्नाटक सीएम पद के दूसरे प्रबल उम्मीदवार कांग्रेस नेता सिद्धारमैया कल दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं डीके शिवकुमार भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली रवाना होने से पूर्व डीके शिवकुमार ने कहा है कि पार्टी हाईकमान से मिलूंगा और अपनी बात रखूंगा, मैं पार्टी का हिस्सा हूं और पार्टी माँ होती है, ना मैं बगावत करूंगा ना ही ब्लैकमेल करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हलचल बढ़ गई है। शिंदे गुट के 16 विधायकों के ऊपर निलंबन की तलवार लटकी हुई है। इसी बीच एनसीपी नेता अजीत पवार ने दावा किया है कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार नहीं गिरेगी चाहे निर्णय जो भी आए। बता दें कि पिछले साल जून जुलाई में बगावत के बाद शिवसेना से अलग हुए एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रमुख डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने हिंदुओं की सुरक्षा और लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रवीण तोगड़िया ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और भारतीय जनता पार्टी केरल स्टोरी फिल्म का जश्न मनाने में लगी हुई है। उन्होंने लव जिहाद कानून की मांग भी उठाई है, साथ ही हिंदुओं की सुरक्षा के लिए वीर हिंदू विजेता हिंदू अभियान शुरू करने की बात कही है। प्रवीण तोगड़िया ने बजरंग दल पर बैन करने के ऊपर भी बयान दिया है। धार्मिक नगरी उज्जैन स्थित महाकाल लोक के द्वितीय चरण में कुल 67.92 करोड़ रुपए की लागत से पुराने महाराजवाड़ा स्कूल कॉम्प्लेक्स का संरक्षण एवं अन्य विकास कार्य स्मार्ट सिटी द्वारा कराए जा रहे हैं। इसमें 19 करोड़ रुपए की लागत से महाराजवाड़ा स्कूल भवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए यहां पर हेरिटेज धर्मशाला बनाई जा रही है, जिसमें 47,000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र में 24 कमरे बनाए गए हैं। वन विभाग अब चंबल नदी की कैरिंग कैपेसिटी का अध्ययन करवा रहा है। रिसर्च टीम देखेगी कि यहाँ घड़ियाल जरूरत से ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं। घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन आदि जलीय जीवों की संतुलित संख्या क्या होनी चाहिए ताकि पर्याप्त भोजन के साथ सभी सुरक्षित रहें। 2022 के आंकड़ों में नदी में 2014 घड़ियाल मिले। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में सोमवार को एक बार फिर बदलाव देखने को मिले हैं। कई जिलों में भीषण गर्मी के बीच कुछ जगह बारिश हुई है। दोपहर में खंडवा के ओंकारेश्वर और ग्वालियर में तेज बारिश हुई, वहीं श्योपुर, कला, मंदसौर और छतरपुर में हल्की बारिश हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने भोपाल समेत कई शहरों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। बारिश का कारण तापमान गिरावट दर्ज की गई है। मौसम खुलने के बाद फिर से इन जिलों में गर्मी कहर बरपाएगी। गर्मी के दिनों में बार बार बदल रहे मौसम के कारण लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। दरअसल तेजाजी नगर इलाके में कलयुगी बाप ने अपनी तीसरी पत्नी के दबाव में आकर अपनी पहली पत्नी के 7 वर्षीय बालक की गला दबाकर हत्या कर दी है। घटना का पता उस वक्त चला जब मासूम की दादी उस कमरे में अपने पोते को देखने गई तो पोता मृत अवस्था में दिखाई दिया। आईपीएल 2023 में सोमवार को गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही गुजरात प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। गुजरात के पास 13 मैच के बाद 18 अंक है। यह टीम अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है। वहीं हार के साथ हैदराबाद के प्लेऑफ के दरवाजे बंद हो गए हैं। अमिताभ बच्चन ने सोमवार को अपने सेट पर पहुंचने के लिए एक फैंस से लिफ्ट ली। वहीं अनुष्का शर्मा अपने बॉडीगार्ड के साथ बाइक पर सवार हो गई। दोनों ही मामलों में किसी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। शिकायत पर मुंबई पुलिस ने सोमवार को कहा है कि उन्होंने अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। खिचड़ी स्टार जेडी मजीठिया ने 54 साल की उम्र में उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप की चढ़ाई की है। जमुनादास मजीठिया ने उम्र में के इस पड़ाव पर यह कारनामा कर सभी को हैरान कर दिया है। जेडी मजीठिया ने 11 दिन में एवरेस्ट के बेस कैंप की चढ़ाई की और जर्नी का वीडियो भी शेयर किया है।